एलामिया इस वक्त एक तरफ रवाफिज के लिहाज से है और दूसरी तरफ खवारिज और नवासिब के लिहाज से है, और हुसैनियत यही है कि बर वक्त आवाज बुलंद की जाए और फिर उस पर डट के पहरा दिया जाए। आज अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हुआ, पूरी दुनिया में अहले सुन्नत को इस वक्त जरूरत है कि कोई उनकी रहनुमाई करे। कुछ लोग बड़े बेकरार हैं कि हम उन्हें मुबारकबाद दें, कुछ पर तोड़ रहे हैं कि हम उनकी हिमायत का ऐलान करें, लेकिन इस वक्त जिनको कायद होने का दावा है वो सारे चुप का रोजा रखे हुए हैं, और उधर से जो नाबालिग नजरियाती लोग हैं, बालिग नहीं नाबालिग, जिनकी फिक्री विलादत हुई चंद साल पहले है, वो उनके साथ अपने नजरियाती इत्तेहाद की कोशिशें कर रहे हैं। तो एलामिया का एक हिस्सा तालिबान के बारे में अहले सुन्नत व जमात की पॉलिसी का ऐलान है, और जिसके एक एक लफज पर आखिरी सांस तक पहरा देना है इंशाअल्लाह। ये साइड खवारिज और नवासिब वाली, दूसरी रवाफिज वाली है। हमारी नजरिए की जंग दलील की रोशनी में इस्लाम के गलबा की खातिर हर बातिल से है। हम जिन्हें राफिजी कहें सबूत देंगे कि वो रवाफिज की बोली बोल रहे हैं, हम जिन्हें नवासिब या खवारिज कहें सबूत देंगे कि ये उनके घर से तलाशी के बाद बरामद हुआ है। लेकिन जो चोर चोरी कर रहा हो और हम उसको कहें तुम चोर हो, तो वो आगे से शोर मचाए तुम भी तो ऐसे हो, तो सिर्फ शोर ना मचाए। खवारिज और नवासिब से यारी की कोई दलील भी तो थे। मेरी विलादत से लेकर आज की इस घड़ी तक और इस वक्त जो मैं ऐलान कर रहा हूं खवारिज और नवासिब के मुकाबले में, किसी दूसरे का भी तो दिखा दो। या इनके पहले दौर में मैंने फतवा दिया था गोजरांवाला मरकजे सिराते मुस्तकीम रिजाए मुजतबा के अंदर अलल ऐलान, और उस पर दलायल दिए थे बड़े बड़े, बाद में फतवे पे आए, हम उस पर अपना इल्मी मौकिफ पहले दे चुके थे। तो इसलिए आप सुने या ना सुने, सुनने वाले कई हुक्मरान कई मुल्कों के, वो सवाद आजम पाकिस्तान का मौकिफ जानने के लिए बिल्कुल अलर्ट होके एक एक लफ्ज सुन रहे हैं और इंशाल्लाह सुनेंगे। खा वो ईरान हो, खा अफगानिस्तान हो, खा पाकिस्तान हो, और खा पेंटागन में बैठा कोई शैतान हो, रवाफिज ने इस साल तौहीन करने की हद कर दी। तौहीने सहाबा रदी अल्लाह ताला अनहुम भी की, और तौहीने अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अनहुम भी की। अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अनहुम में अजवाज मुतहरात रदी अल्लाह ताला अनहुन्ना की तौहीन गंदे लफ्जों गंदे जुमलों से की, और पंतन पाक की तौहीन अपने गुस्ताखाना तरीके से की। आज अगर मुल्क की मुक्तदर कुव्वतें
इस सिलसिले को नहीं रोकेंगी तो कल ऐसा रद्दे अमल आ सकता है कि जिसको रोकना किसी के बस की बात ना हो। मेरे पास एक लिस्ट है, हुकूमत चाहेगी तो हम उसके वीडियो क्लिप पेश करेंगे, इस साल के खुलफाए राशिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हुम, सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु, उम्मातुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हुन्ना, मुकद्दस शख्सियात के बारे में गुस्ताखाना चाकिंग दीवारों पे की गई, सोशल मीडिया पे गई गई, मजालिसे मुहर्रमुल हराम में की गई, शैतान सिफ्त जाकिरों के दौड़ों में की गई। बाज जगह एफआईआर कटी, बाज जगह वो भी नहीं कटी, और कितनी एफआईआरें पहले कटी हुई गुस्ताखों की सर्दखाने में हैं, और वो गुस्ताख फिर गुस्ताखियां कर रहे हैं। हमारा मुतालबा हुकूमत से बार बार ये है कि जिनकी एफआईआर नहीं कटी और हमारे अवाम अहले सुन्नत को दबाया जा रहा है, वो एफआईआर काटी जाएं, और जहां कटी हुई हैं उन बघौड़ों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ताजा गुस्ताखियां कसूर, चकवाल, गुजरात, सखर, हैदराबाद, कराची और दीगर बहुत से इलाकों के अंदर ऐसे ऐसे जुमले, ऐसी ऐसी गालियां बकी गईं उन मुकद्दस हस्तियों को कि जिनको कुरान जन्नती कहता है और ये जहन्नमी कुत्ते उन हस्तियों को भौंक रहे हैं। उनके बुद्धू अवाम ही नहीं, उनके जाहिल जाकिर ही नहीं, बल्कि उनके बाद शैतान सिफ्त लीडर, यहां तक निस्तर पार्क के अंदर वो कातिबे वही अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हो को भौंकते हुए नजर आए। क्या ये हुकूमत यूं सोई रहेगी? अमन अमन की रट लगाने वाले सरकारी पालतू उलमा मुख्तलिफ मसालिक के क्या अपने पेट जूही वजीफों से भरते रहेंगे? और अगर लावा फट गया गैरतमंद मुसलमानों का तो फिर तख्त नशीं जो हैं उन्हें तख्ता नशीं होना पड़ जाएगा। लिहाजा हमारा मुतालबा है, हुकूमत आंखें खोले, अंधी ना बने, गूंगी ना बने। जब वीडियो सबूत मौजूद हैं, वो एक नाम का नकवी, वो शैतानों का शैतान सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हो के खिलाफ निस्तर पार्क में जब बक रहा था तो काम मरे हुए थे इदारे, उसको निकलते हुए ही उस कुत्ते को गले में रस्सी डाल के क्यों नहीं खींचा? हमारा सवाल है हुकूमत से, ये किस चीज की हुकूमत है? और साथ जुल्म ये है, इमाम आली मकाम की विरासत हुसैनियत है, आज हुसैनियत को छोड़ के यजीदियत का नाम हुसैनियत रखा जा रहा है। इस धांधली को रोकना भी हुकूमत का काम है, काम यजीदों वाले और नारे हुसैनियत के। एक मखसूस फिरके ने इस साल कसरत से मोहब्बत अहले बैत का सबूत देने के लिए पुतले बनाए, मुकद्दस नफूस के पुतले बनाए, मुजस्मे बनाए, खाके बनाए, और खाकम बदहन माजल्ला सुम्मा माजल्ला स्टेज ड्रामों की नक्काली में वाकया करबला के माकबल और माबाद के मंजर को फिल्माया। मस्तूराती अहले बैत रदियल्लाहु ताला अन्हुन्ना की शबीहें बनाकर कुछ चलती फिरती औरतों की उन्हें धक्के मारे, कुछ मुकद्दस नफूस के इंसानों में से, जिंदा लोगों में से किरदार बनाकर उनके गले में रस्सियां डाल के खींचा। बुरे काम पर लानत उस वक्त के जो ये काम कर रहे थे, उन लानतियों के लिए ही काफी नहीं,
आज उसकी नक्काली कर लानत लेने की क्या जरूरत है। किसी की मां बहन की छवि बनाकर, सिर्फ तस्वीर बनाकर, सिर्फ खाका बनाकर, उसके बारे में महज मामूली सा इल्जाम कोई खाके में बनाए तो वो अपनी गैरत से उसे बर्दाश्त नहीं करता। ये कमीने गलियों में, चौकों में, बाजारों में आइम्मा अहले बैत के किरदार फिल्मों जैसे लोगों में से पेश कर रहे हैं और फिर इन्हें वो कोड़े मारने वाले कहां से मुझे सराए। मैं पूछता हूं, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को इनकी उन ड्रामाई फिल्मों के अंदर कोड़े मार रहा है, जीता जागता बंदा, इन्होंने वो उधार कहां से लिया है। सदियों बाद साबित हुआ कि खुद ही किया था और खुद ही पीटना शुरू कर दिया। उस काम के लिए हायर सुन्नी नहीं किया गया जिसको इन्होंने यजीद बनाकर पेश किया, शिमर बनाकर पेश किया, वो इन्हीं का कोई कारकुन है। और उधर मेरे हुसैन की तो कोई मिसाल नहीं। जालिमों कहां से मिसाल ले आए हो। यह है तौहीन अहले बैत बशकले मोहब्बत। और ये सिलसिला पहले पाकिस्तान में कम था, जब से इराक में हुकूमत बदली, वरना 10 मुहर्रमुल हराम को मैं भी इराक में था, मैं भी करबला में था, मैं भी कई दिन सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और शुहदाए करबला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के इज्तिमाई मज़ारात पर बैठ रहा। सिर्फ ये जो झूठ बोलते हैं कि जमीन सुर्ख होती है, ये होता है, वो होता है, हर चीज देखने के लिए, जब वहां एक सद्दाम था, किसी की मजाल नहीं थी कि हाथ सीने पे मारे, उठा भी नहीं सकता था मारने के लिए। और अब रास्ते खुले और कुछ हुकूमत की बगलों में बैठे राफजियों ने कोटे मंजूर करवाए ईरान और आगे इराक। अब इस साल वो ईद गदीर इनकी हो या हदीस गदीर या आयत मुबाहला, इन सब पर इन्होंने सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माज अल्लाह खाके बनाए। इनमें और फ्रांस के शैतानों में क्या फर्क बाकी रहा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि हुकूमत से स्टैंड ले। मैं दलाल देता हूं, अगरचे किसी और बुरे मकसद के लिए तस्वीर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना भी बनाई जाए, जिस तरह के वो शैतान यूरोप के बना रहे हैं जिहाद के खिलाफ कोई बात करने के लिए, कोई अच्छी नीयत से बनाए, कोई किसी सीरत के पहलू को सामने रख के बनाए, फिर भी 100% तौहीन है और उसकी कभी भी इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर हुकूमत ने फौरन इन गुस्ताखाना कार्रवाइयों में शामिल लोगों को गिरफ्तार करके सजा ना दी तो गली गली के अंदर जब किसी मुसलमान के सामने ये इमाम हुसैन की हमशीरा सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की छवि बनाकर किसी कमीने को उन वो चादर खींचने का मंजर पेश करते हुए देखा गया तो ये याद रखो, वो जिन पे जुल्म हो रहा है उन्हें तो कोई नहीं छवि मानेगा सैयदा ज़ैनब की, मगर जो कर रहा है उसकी बोटियां कर दी जाएंगी। ये बहुत बड़ा फसाद जिससे पूरे इस्लाम की इमारत पे हमला हो रहा है, और इसको वो लोग मोहब्बत का नाम दे रहे हैं। ये मोहब्बत अहले बैत नहीं, ये तौहीन अहले बैत है। और इससे बरात का ऐलान करें उनके वडेरे। और साथ ये जो धांधली हो रही है कि बूझे सिहाबा को मोहब्बत अहले बैत बताया जा रहा है,
बुग़्ज़े सहाबा मोहब्बत अहले बैत नहीं, मोहब्बत अहले बैत जो मोहब्बत सहाबा के साथ इकट्ठी हो सके उसे मोहब्बत अहले बैत कहा जाता है। इस बुनियाद पर यह कानून और ये तमाम तर जो तकाजे हैं एजेंसियां इदारे और हुकूमत इसकी तरफ देखें, बयक वक्त तूफान नहीं आता, कई हंगामे पीछे छुपे होते हैं तो अचानक तूफान आ जाता है और फिर रोकना मुश्किल हो जाता है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क़यामत तक के लिए बातिल कुव्वतों के खिलाफ और बातिल निज़ाम के खिलाफ जिहाद का लाहे अमल हुसैनियों को अता कर दिया है और हमें वो लाहे अमल सनद से मिला है। हमारी सनद यहां से लेकर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना इमाम हसन, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम तक और फिर दरबार रिसालत तक मुत्तसिल है। हमें हुसैनियत भी मुस्तनद मिली है। करोड़ों सलाम हो हाफिजुल हदीस इमामुल अक्सर हजरत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी कुद्दस सिर्रुल अजीज हजरत अकदस हजरत पीर सैयद मोहम्मद मजहर कयूम मशादी कुद्दस सिर्रुल अजीज। हमें हुसैनियत उन्होंने बताई है और सनद हमारी अल्लाह के फजल से मुत्तसिल है। हुसैनियत ये नहीं कि गुरु नानक के नशीनों को बुलाकर मसनद हाफिजुल हदीस पर बिठा दिया जाए। हुसैनियत नहीं ये कि वो हुकूमत जिसको दुनिया में पाकिस्तान के इस्लामी तशख्स के खिलाफ हर कोई बहुत बड़ा हमला करार दे रहा है और उनके करतूत सबके सामने हैं, उनके वजीरों को गुमाश्तों को उनके साथ अलग से अलग रखी जाए, उनके घर जाकर उनसे मुलाकातें की जाए। करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आजादी हयात का ये सरमदी असूल, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेजे की नोक पर लेकिन यजीदियों की इताअत न कर कबूल। इस्लामिया का दूसरा हिस्सा अकायद आमाल पर मुकद्दम है और हम अहले सुन्नत व जमात हजरत इमाम अबू मंसूर मातुरीदी हजरत इमाम अबुल हसन अशरी रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के बाद बिलउमूम और बरसगीर पाक हिंद में पैदा होने वाले कलामी और एतिकादी मसाइल में बिलखसूस मुजद्दद दीन व मिल्लत हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाजले बरेलवी कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ की तालीमात और तशरीहात के पाबंद हैं। सुलह कुल्लियत और लिबरलिज्म का रोग आम होने की बुनियाद पर कुछ नापुख्ता फिक्र कारकुनान अपने मसलकी उसूलों से अदम वाकफियत की बुनियाद पर दूसरे मसालिक के साथ नजरियाती उनके इत्तिहादी बनने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सरासर गलत है। मौजूदा हालात में एक मखसूस फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग यानी तालिबान बरादर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान पर गलबा पा चुके हैं। अब ऐसे मौका में बहुत से लोग पर तोल रहे हैं कि उनको मुबारकबाद दी जाए, उनके साथ दोस्ती बनाई जाए, उनके हलफ की तकरीब में शिरकत की जाए, उनकी हिमायत की जाए। तो मैं उन लोगों से ये कह रहा हूं, ऐसे लोगों को अपने अकाबरीन के मोतकदात बिलखसूस आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी कुद्दस सिर्रुल अजीज के फतावा हुसामुल हरमैन को सामने रखना चाहिए और साथ ही साथ इन्हीं तालिबान के अकायदो नजरियात और माजी के इनके किरदार बिलखसूस इब्तदाई तौर पर इनको मुजाहिदीन और फिर दहशतगर्द करार देने वाली अमरीकी पॉलिसी का भी बगौर मुताला किया जाए। वैसे तो चढ़ते सूरज को सलाम करना अक्सर लोगों का आम वतीरा बन चुका है
और चलो तुम उधर को, हवा वो जिधर की, तहसीन पसंद लोगों का दस्तूर हयात करार पाया है, मगर ये हरगिज अकलमंदी नहीं, जिस लाया गली उसे नाल चल ली। क्या भूल गए हो डॉक्टर सरफराज नईमी के खून को, क्या भूल गए हो उस अजीम शख्सियत पीर समीउल्लाह चिश्ती को, कब्र से निकाल के जिनके जस्द खाकी को लटकाया गया। क्या भूल गए हो मुफ्ती इफ्तिखार अहमद हबीबी और दीगर शहदाए आले सुन्नत बलोचिस्तान को, उलमाओ बशा के आले सुन्नत, सैकड़ों और हजारों वो लोग जिनका तल्लुक अवाम से था या सिक्योरिटी फोर्सेस से था। अरे क्या भूल गए हो जिन फौजी जवानों के सरों से फुटबॉल खेला गया। क्या भूल गए हो फतवे के पाकिस्तान के बैंक लूट लिए जाएं, ये माले गनीमत है, ये मुसलमानों का मुल्क नहीं। क्या वो कोई जिन्नों की मखलूक थी जो ये फतवे दे के गायब हो गई थी? नहीं, यही लोग थे। आज मुबारकबाद देने वाले पहले अपने शहीदों की रूहों से तो पूछें। आज मुबारकबाद देने वाले दातागंज बख्श अजवेरी के दर पे जो धमाके हुए, बाबा फरीद के दर पे जो धमाके हुए, अब्दुल्ला शाह गाजी के दर पे जो धमाके हुए, बड़ी इमाम के दर पे जो धमाके हुए, उनका चैलेंज किसने दिया था, उनकी जिम्मेदारी किसने कबूल की थी? क्या हाफजा कमजोर है लोगों का, या ये कि उनके पास अब डंडा आ गया है? याद रखो, मोमिन डंडे की वजह से किसी को नहीं मानता, मदनी एजेंडे की वजह से मानता है। इस बुनियाद पर ऐसी सूरत हाल में अगर किसी वतन पे कब्जा कर जाना किसी कुव्वत को हटा के, ये कब्जे ये मेयार हक है, तो फिर एक दूसरे मुल्क में भी कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है। ईरान पर कब्जा रवाफिज ने किया तो क्या कब्जा मेयार हक हुआ? ईरान पर रवाफिज का कब्जा मेयार हक नहीं, अफगानिस्तान पे खवारिज नवासिब का कब्जा मेयार हक नहीं। हक यह है कि कलमा इस्लाम की सरबुलंदी के लिए किसी ने क्या किया? इमाम हुसैन से पूछ लो, अल कामिल में वो खुतबा जो मैदान करबला में दिया था सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, उसमें आपने फरमाया मुझे और मेरे भाईजान इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को हमारे आका सैयदुल मुरसलीन हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अंतुमा सैयदा शबाब अहलल जन्ना व कुर्रतु ऐन अहले सुन्ना। ए हसन हुसैन, तुम जन्नती जवानों के सरदार भी हो और सुन्नियों की आंख की ठंडक भी हो। आले सुन्नत का दावा तो तुम्हें पता कितने लोग करते हैं। रजिस्ट्रेशन हमने कराई, वो कहते हमारा है। एक जमाना अहले सुन्नत वल जमात, और अब ये नए आने वाले भी कह रहे हम भी अहले सुन्नत व जमात। देयर आर डॉक्यूमेंट्स ऑफ अहले सुन्नत। अहले सुन्नत होने की कुछ शर्तें हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, दिखाओ तो सही। तुम कैसे अहले सुन्नत हो? क्या तुम फिक्र बाबा फरीद के वारिस हो? क्या तुम फिक्र मुजद्दद अल फैसानी के वारिस हो? क्या तुम फिक्र गंजे बख्श के वारिस हो? क्या तुम फिक्र गरीब नवाज के वारिस हो? ये बर्र सगीर पाक व हिंद और इन एरियाज के अंदर तो सुन्नी की शनाख्त इन्हीं नामों से होती है, लिहाजा दावा नहीं दलील चाहिए। और साथ ये बात भी सामने रखनी चाहिए, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद मुजद्दद दीनो मिल्लत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाजले बरेलवी के अफकार से हासिल करदा
کشید کردہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھی گئی۔ تحریک لبیک کی بنیاد ابن تیمیہ کی فکر پہ نہیں، قاسم نانوتوی کی فکر پہ نہیں، اشرف تھانوی کی فکر پہ نہیں، رشید گنگوہی کے فکر پہ نہیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد اس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے جس کے پیالے امام احمد رضا بریلوی نے پلائے ہیں۔ اور میرے جیتے ہوئے اگر کوئی دھاندلی کر جائے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ میں گواہ ہوں، میں نے انگلی پکڑ کے سب کو چلا کے تحریک کا رستہ دکھایا۔ مجھ سے پوچھو یہ فکر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصل جو پکی ہوئی آج کئی لوگوں کو نظر آ رہی ہے اور ان کا دل للچا رہا ہے، کاش یہ سارے میں لپیٹ لوں۔ اس کی پنیری میں نے تو امام احمد رضا بریلوی سے لی تھی، تو امام احمد رضا بریلوی کے دشمنوں کو جو امام احمد رضا پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں ان پہ کفر کے فتوے لگا کر اور آج کے نابالغ نظریاتی لوگوں سے کوئی ہیر پھیر کی باتیں کر کے کوئی نئی رضویت بنا کر اگر وہ چاہتے ہیں کہ فکر رضا کی اس فصل کا پھل وہ کاٹ لیں، اشرف آصف جلالی زندہ ہے، ہم ان کی ٹانگیں کاٹ دیں گے، فکر رضا کی فصل کا پھل کسی کو کاٹنے نہیں دیں۔ کچھ لوگ بڑی بھونڈی بھونڈی دلیلیں بنائے پھرتے ہیں کہ کوئی فلاں فلاں قبر پہ کھڑا تھا، کوئی فلاں ادھر گیا ہوا تھا۔ اس سلسلہ میں ہمارے پاس آپشن کھلا ہے، اگر طالبان کی قیادت اپنے عقائد کی وضاحت کرتی ہے ہم وضاحت لینے کو تیار ہیں، وہ بتائیں اپنے عقائد، وضاحت رکھیں ہمارے سامنے تو ہم پھر ترازو پہ تولیں گے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہم حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا ترازو لیں گے، ہم حضرت مجدد الفیسانی کا ترازو لیں گے، ہم امام فضلہ خیر آبادی کا ترازو لیں گے، ہم امام احمد رضا بریلوی کا ترازو لیں گے، ہم سیدنا پیر میر علی شاہ کا ترازو لیں گے رحمت اللہ علیہم، ایسے اکابر کے ترازو پہ تولیں گے۔ اگر انہوں نے بتایا کہ مسئلہ صحیح ہے تو ہماری کوئی ضد نہیں، لیکن ہم محض کوئی پروف ہی نہ ہو، کوئی دلیل ہی نہ ہو، کوئی ثبوت ہی نہ ہو اور دوسری طرف وہ خود بولیں، ان کے استاد بولیں، ان کو اپنے مسلک کی ڈگری دینے والے بولیں تو کیا سنی ایسا ہے کہ خامخواہ کسی کو جا کے چپٹ جائے کہ میری بھی مبارک باد لے لو؟ ہاں جب دن آیا کوئی مبارک باد کا تو پھر مبارک باد آل حق جب غالب آئے تو دیں گے۔ اس واسطے یہ اس وقت کا قرض تھا یہ جملے۔ اب یقیناً مجھے امید ہے ہزاروں لوگ یہ دہرائیں گے، ہزاروں خطیب یہ بولیں گے، میں کوئی ان کو ڈی گریڈ نہیں کر رہا، انہیں بولنا چاہیے، یہ گواہی ہے وقت کی۔ یہ تو چند دنوں کی گرد ہے، پردہ ہٹے گا تو اچانک پیچھے کروڑ نظر آئے گا کہ یہ کیا ڈرامہ تھا، کیا ہوا تھا۔ لہذا سنی اپنی جگہ پہ قائم رہنا چاہیے، یہ نہیں کوئی رافضی دوڑے سنائے تو اسی کے ساتھ، کوئی خارجی ورغلائے تو اسی کے ساتھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سنیوں آج کے اس اجتماع میں اے نوجوانان اسلام، میں شیر کی بولی میں مختصر سی بات تمہیں اعلامیہ کی بتا دیتا ہوں، پنج تن کے مرید ہو جاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے نہیں ہیں، اہدن الصراط المستقیم نمازی بھی تو کہتا ہے، پنج تن کے مرید ہو جاؤ، چار یاری مزید ہو جاؤ۔ چار یاری یہ مصدر ہے، چار یاریت پنجابی کا
चार यारी पंच तन के मुरीद हो जाओ, चार यारी मजीद हो जाओ, जो दबाए तुझे वो दब जाए, जो दबाए तुझे वो, जो दबाए तुझे वो, जो दबाए तुझे वो दब जाए, इस कदर तुम शदीद हो जाओ। पंच तन के मुरीद हो जाओ, चार यारी मजीद हो जाओ, जो दबाए तुझे वो दब जाए, इस कदर तुम शदीद हो जाओ। कोई ना भौंके नबी की अजमत को, को तुम सारे शहीद हो जाओ। ये है सुन्नियत और ये है हुसैनियत। पिल पिलाइयत हुसैनियत नहीं, तफजीलियत हुसैनियत नहीं, राफजियत हुसैनियत नहीं, खारजियत हुसैनियत नहीं, नासबियत हुसैनियत नहीं। हुसैनियत सुन्नियत का दूसरा नाम है। ये तो मैंने आपसे कहा, अब कुछ यजीदों से भी कहता हूं। हर जमाने में यजीद होते हैं, फिर इलाका वाइज यजीद होते हैं, यूसी लेवल से लेकर सूबाई और कौमी हलके तक, और फिर मुल्क मुल्क में यजीदों से कह दो। पैगाम मेरा याद रखना, ये खिताब आपसे नहीं उनसे है। हम साथ रहेंगे पाकों के, पाकों के अंबिया सिद्दीकीन शुहदा सिहाबा अहले बैत रदी अल्लाह ताला अनहुम आइम्मा मुताहरीन, हम साथ रहेंगे पाकों के। खा तुम नहीं, मुंह किसी तरफ कर लो निशाना रखना है तो, हम साथ रहेंगे पाकों के, खा तुम जितने पलीद हो जाओ। तुम जमीर का मर्जे याद रखना है, हम साथ रहेंगे पाकों के, खा तुम जितने पलीद हो जाओ, हम हुसैनी रहेंगे ता आखिर, खा तुम सारे यजीद हो जाओ। लिहाजा यजीदों से घबराहट नहीं कि वो कहें हमारे तो भी और भी यजीद है, बड़े सैंपल हैं हमारे पास यजीदों के। हम हुसैनी रहेंगे आखिर तक। हाथ उठाओ, करबला का तसव्वुर करो, सैयदना इमाम हुसैन सैयदो शुहादा रदी अल्लाह ताला अन्हो, शहीद जिंदा और तबिंदा है, और सैयदो शुहादा जिंदा और तबिंदा है। हम मरकज़े सिराते मुस्तकीम से अपने इमाम के सामने यह हलफ उठा रहे हैं, हम हुसैनी रहेंगे ता आखिर, हम हुसैनी रहेंगे ता आखिर। अब दूसरों को कहते हैं, खा तुम सारे यजीद हो जाओ।